श्रीमती पानी को रिचार्ज करने के लिए जमीन के अंदर एक स्पेसिफिक पॉलिसी बनाए जाने की जरूरत है और मैं माननीय मंत्री से बात के लिए आग्रह करता हूं। धन्यवाद, लीड लेकर के सामने आए और धन्यवाद। मुझे लगता है कि इससे लक्ष्य पूरे हो सकेंगे। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया उपसभापति महोदय। आज इस जल संकट पर बोलने का मुझे मौका आपने दिया, मैं अपने पार्टी की ओर से मैं अपने नेता का शुक्रिया अदा करती हूँ। जल संकट एक ऐसा संकट है जो हर तबके हर लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे वो किसान तबका हो या फिर घरेलू काम धंधे की बात हो, पीने आम लोगों के जीवन की बात हो या फिर इंडस्ट्री चलाने वाले लोगों की बात हो। मैं इसके लिए जो आपने सबसे पहले सरकार का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूं कि आज आपने इस पर चर्चा कराई। जी पहले ये सर, हम लोग कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन की वजह से इस संकट से हम जूझ रहे हैं। हमारा देश दुनिया का अकेला एक ऐसा देश है जहां चार ऋतुएं हैं और वर्षा ऋतु का बहुत महत्व हमारे यहां है। सावन का महीना हो या भादों का महीना हो, किसानों के लिए, औरतों के लिए, आम जनजीवन के लिए बहुत ही खुशी लाता है। जब पहले की औरतें जब खेतों में रोपा डोपा किया करती थीं तो उन्हें मालूम था कि हमें फला गाना गाएंगे तो बारिश होगी और बारिश हुआ करती थी, लेकिन कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन की वजह से आज वैसा माहौल नहीं। नासा ने भी और दुनिया भर के विद्वानों ने भी कहा है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध होगा तो वो पानी के लिए होगा। नीति आयोग ने भी अपने रिपोर्ट में कहा है कि 60 करोड़ भारतीय गंभीर पानी जल संकट से जूझ रहे हैं और हर साल 2 लाख लोग साफ पानी नहीं मिलने के कारण उन्हें बहुत गंभीर बीमारी हो जाती है और जिससे उन्हें मौत हो जाती है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस तरफ आकृष्ट कराना चाहती हूं कि जो बातें कही गई कि जो पोखर को भर करके बड़ी बड़ी इमारतें बन रही हैं, ये बात सही है, हम इस तरफ हम लोग हैं, लेकिन हमें इस तरफ भी सोचना पड़ेगा कि आज जो हम लोग बड़े बड़े अपार्टमेंट बन रहे हैं या बड़े बड़े घरों में जो वाटर प्रूफ जो पीने के लिए आरओ वगैरह हम लगाते हैं तो 1 लीटर पानी कहीं हमें मिलता है और 4 लीटर बर्बाद होता है, इसे हम कैसे बचा सके? अगर हम इसको नहीं बचाएंगे तो हमारे पूर्वजों ने पोखर देखा, तालाबें देखी, हम कुआं देखे हैं, हमारे बच्चे नल देख रहे हैं और आने वाली भविष्य क्या देखेगी, इसकी चिंता हम लोगों को करनी होगी। मेरा कुछ सुझाव है, वो ये सुझाव है कि जिस तरह से स्वच्छता अभियान पर हम लोगों ने काम किया और कामयाबी मिली है, उसी तरह से रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम पर भी हम ध्यान दें, इसलिए कि औसतन 117 सेंटीमीटर बारिश होती है और मात्र 6% ही पानी जो है वो भंडारण हो पाता है। हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो चुनाव हम लोग लड़े थे उसमें उन्होंने 7 निश्चय किया था और 7 निश्चय में हर घर जल का नल उन्होंने वादा किया था और उस पर काम चल रहा है और हर घर जल का नल पहुंच रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से कुछ सुझाव देना चाहूंगी कि इन सुझावों पे वो
अगर अमल करें तो हमें लगता है कि हम लोग बहुत हद तक इस संकट से बच सकते हैं। केंद्र के स्तर पर एक ऐसे निकाय बनाई जाए जहां पानी के समान वितरण को सुनिश्चित करें, ताकि ऐसा ना हो कि किसी को 5 गैलन पानी का उपयोग करे और किसी को 1 बूंद भी पानी ना मिले। ये निकाय देश की नदियों के पानी का भी वितरण सुनिश्चित करे। वाटर प्योरीफाई की प्रविधि को सुधार किया जाए ताकि उसमें होने वाली पानी की बर्बादी ना हो सके। इसके लिए अपार्टमेंट आदि में एक सिस्टम बनाया जाए। महोदय, और यहाँ पर बात सिंगापुर की बात हो रही थी, मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगी कि सिंगापुर में जिस तरह से सिंगापुर में जिस तरह से पानी की को इकट्ठा किया जाता है, बारिश के पानी को, और उस पानी को इस्तेमाल किया जाता है, एक टीम अगर जाए और किस तरह से वहां पर पानी का सही इस्तेमाल हो रहा है, वहां पर जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को हम भी अपनाने का काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।